श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने रातों रात टीम इंडिया में शामिल किया दुनिया का नंबर वन युवा ओपनर बल्लेबाज। यह खतरनाक खिलाड़ी करेगा केएल राहुल का क्रिकेट करियर खत्म। जी हां दोस्तों, आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने रातों रात टीम इंडिया में शामिल किया है कौन से धाकड़ खिलाड़ी को, साथ ही कौन सा है वो खिलाड़ी जिससे केएल राहुल को है खतरा, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20I सीरीज खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब दोनों टीमों की निगाहें वनडे सीरीज पर टिकी है। T20 सीरीज में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 2-1 से हरा दिया है। अब टीम इंडिया उसी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए वनडे सीरीज में भी जीत हासिल करना चाहेगी। हालांकि T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे थे, लेकिन अब भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है और वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान अब रोहित शर्मा के हाथों में रहने वाली है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला मंगलवार 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में एक धाकड़ खिलाड़ी की एंट्री होने जा रही है। ये खिलाड़ी अपने खेल के दम पर केएल राहुल की जगह पर खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ हैं। पृथ्वी शॉ का हालिया घरेलू प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा है। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर अब बीसीसीआई ने रातों रात बैकअप ओपनर के तौर पर उन्हें भारतीय स्क्वाड में शामिल कर दिया है। केएल राहुल का हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। ऐसे में पृथ्वी शॉ का शानदार प्रदर्शन केएल राहुल के करियर पर खतरा पैदा कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि पृथ्वी शॉ को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने का मौका मिलता है या नहीं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।